हरियाणा के झज्जर विच बदमाशों ने गन पॉइंट ते कैब चालक तो स्विफ्ट डिजायर कार लुट ले जान दा मामला सामने आया। वारदात नूं अंजाम देने तो बाद दोषी घटना स्थान तो फरार हो गए सन। जिक्रयोग है कि लुटी गई कार दे विच लैपटॉप अते फोन भी पए सन। पुलिस ने दो दोषियों नूं गिरफ्तार करन विच सफलता हासिल कीती है ते मामला दर्ज कर अगलेरी कार्रवाई की जा रही है। जानकारी मुताबिक भिवानी के रामनगर विच रहन वाले पवन कुमार ने शहर थाना पुलिस नूं दर्ज करवाई शिकायत शोभित ने पानी की बोतल लैण लई कार रुकवाई, जिस तों मगरों शोभित कार विचों उतर के पानी लैण चला गया, जिस दौरान काले रंग की i20 कार स्विफ्ट कार दे ठीक कोल आके रुकी। कार विचों नौजवान उतरे अते उन्होंने जबरदस्ती गन पॉइंट ते खिड़की खुलवा के कार चालक नूं कार तो बाहर उतारिया ते कार लैके फरार हो गए। कुछ ही सकिंटां विच वापरी इस वारदात तो बाद कार चालक पवन घबरा गया ते पानी दी बोतल लैके वापस आए शोभित नूं पूरी गलबात दसी, जिस तो मगरों तुरंत ही पुलिस नूं सूचना दिती गई। वारदात दी सूचना मिलदे ही झज्जर शहर थाणा दी पुलिस मौके ते पहुंची अते अणपछाते व्यक्तियों खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस वल्लों मामले दी जांच कर दो दोषियों नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्थे ही पुलिस जांच अधिकारी ने गलबात करदिआं दस्सिआ कि गिरफ्तार किए दोषियों की पहचान यश अते सूरज के रूप वजों हुई है, जिन्हां विचों सूरज दिल्ली का रहने वाला है। उत्थे उन्होंने दस्सिआ कि इन्हां दे चार होर साथी फरार हो गए, जिन्हां विचों एक नैनीताल की रहन वाली औरत भी शामिल है, जिन्हां दी भाल विच पुलिस वल्लों छापेमारी की जा रही है। अगे गलबात करदिआं उन्होंने दस्सिआ कि दोषियों तो लुट्टी गई कार बरामद कर ली गई है, पर वारदात वेले वरते गए हथियार हाले तक बरामद नहीं किए गए ने। उन्होंने दस्सिआ कि गिरफ्तार व्यक्तियों खिलाफ पहला मामला दर्ज नहीं है, पर उन्होंने फरार हुए साथियों समेत कई मामले दर्ज ने। गिरफ्तार दोषियों नूं अदालत विच पेश करके 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल कर लिया गया, जिस दौरान उन्होंने तो बरीकी नाल पुछगिछ की जाएगी, पता किया जाएगा कि वह किस घटना नूं अंजाम देन जा रहे सन। ये जी, इन्होंने कल अपने सिलानी गेट से एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी जो पलवल से भिवानी जा रहे थे, जो पानी लेने के लिए रुके, तो उन्होंने ड्राइवर बैठा हुआ था, जो दूसरा बंदा था जो बुकिंग करके ले आया था वो नीचे था, उन्होंने ड्राइवर को लगा के पिस्टल और गाड़ी छीन ली, और छीनने के बाद यहाँ से तो की तरफ भाग दी। क्या नाम है आरोपियों का, कहाँ के रहने वाला है? आरोपी है जी एक तो है यश उर्फ अतुल उर्फ राजकुमार गाँव कासनी, और दूसरा है जी सूरज उर्फ विक्की सन ऑफ राजेश, हाउस नंबर C7367 सुल्तानपुरी दिल्ली। अच्छा, पहली वारदात है या और भी कर चुके हैं ये? इसके बारे में तो ये पहली, इनकी तो पहली वारदात है, जो इनके और साथी हैं ना उनकी कई वारदातें हैं। अच्छा, जो मैन थे वो भाग गए रात को अंधेरे रहे का फायदा उठा के खेतों में दानों में निकल गए, ये दानों ऐसे पकड़े गए। तो इनसे पकड़े गए तो बरामदगी हुई है कुछ? बरामदगी तो नहीं हुई जी, गाड़ी मिली है, हथियार वगैरह के लिए बार बार रेड कर रहे हैं वो दूसरे आरोपी मिलेंगे। कितने बंदे हैं इनके साथ में? 6 बंदे थे, एक लेडीज 5 आदमी। अच्छा, लेडीज भी शामिल है इसमें? हाँ, लेडीज भी शामिल है। वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो लेडीज है नैनीताल की, और जो और आरोपी हैं वो आरोपी दिल्ली के। अच्छा, और एक बड़ौदा। अच्छा, यहीं के क्या लिंक है जैसे आना हुआ? ये आना तो जी जेल में साथी रहे हैं, जेल से आए थे पहले, जेल में रहे हैं यहाँ जज्जर, लिंक बने वापस यहाँ लोकल लोगों से लिंक बन गया था। दोस्ती जो कड़ौदा वाला वो भी अंदर था, और जो दिल्ली वाला था वो भी अंदर। किस मामले में थे ये? पहले तो जी कोई आर्म्स एक्ट में था, कोई ये दिल्ली वाला तो बता रहा था, मतलब वो था नहीं ना, उसको आने बाद पता चला उसके पे कई मुकदमे। अच्छा, तो उनको पकड़ने जेल में था ये पता नहीं चला कि किस मैटर में था, वो पता किया जाए। तो पकड़ने के लिए कोई टीम वगैरह भी बनाई है? हाँ, टीम वगैरह बिल्कुल CIA भी गई है, और हमारी टीम गई है, और मैं भी इसको लेके जा रहा हूँ। तो इनको कोई वारदात को अंजाम देना था, क्या क्या प्लानिंग? हाँ, वारदात को अंजाम देना था, हथियार आने थे, वो जो लेडीज ने ले आने थे, कोई पता नहीं कहाँ मर्डर करना था किसी जगह। अच्छा, अभी जो लेडीज गए, कोई झगड़ा था, वो अभी गैंग वार है।
अच्छा, पूछताछ में और कुछ बताया हो? अभी कोर्ट में पेश किया आपने? हाँ, कोर्ट में पेश किया, 3 दिन का रिमांड है। चंडीगढ़ तो PBC न्यूज़ ले ब्यूरो रिपोर्ट।